टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस 23rd वीडियो है। इसमें हम सेपरेबल स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो सेपरेबल स्पेस का डेफिनेशन ही देख लिया जाए। सेपरेबल स्पेस अ स्पेस कैपिटल एक्स इज सेड टू बी separable if there exists a countable dense subset of x। ये फिर ये एग्जिस्टेंस वाला ये खतरनाक स्थिति है। एग्जिस्ट करा के दिखाना है कि क्या ऐसा हो सकता है, यदि हाँ तो सेपरेबल, यदि ना तो से नॉट सेपरेबल। इसके बाद हम लोग अब एक एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद एक थ्योरम। एग्जाम्पल वी नो दैट क्यू इज काउंटेबल, ये आपको जानना चाहिए। We know that Q closer equal to Q union D of Q derived set of Q equal to Q union derived set of Q R होता है। अब इन दोनों का यूनियन होगा R। अब ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। दस R इज सेपरेबल because there exists a countable dense subset Q of R। ये Q is dense because Q closer is equal to metric space। ये usual metric है, usual metric space। तो ये था एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। थ्योरम नंबर हम क्रम से डाल रहे हैं, तो ये नंबर पड़ेगा 6। Every second countable space is separable। Proof। लेट, अब इसमें देखो मैट्रिक वर्ड कहीं यूज नहीं है, समझ रहे ना। लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो इसके लिए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन। देन देयर एग्जिस्ट्स काउंटेबल बेस फॉर एक्स। डेफिनेशन यही कहता है कि एक्स के लिए एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं, लेट कर्सिव बी अ काउंटेबल बेस फॉर कैपिटल एक्स। ठीक, वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल
कैपिटल एक्स इज सेपरेबल. ओके, फिर अपनी मनसा जाहिर करिए, योजना जाहिर करिए. फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल डेंस सबसेट, डेंस सबसेट ऑफ एक्स. एक्स का कोई भी सबसेट ए डेंस कब होगा? डेंस का मतलब डेंस एवरीवेयर, माने डेंस इन एक्स जब ए का क्लोजर एक्स के बराबर हो. तो एक एक्स का काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करा के दिखाना है. एग्जिस्ट कराना है माने डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, हमें बनाना है. तो जहां जहां एग्जिस्टेंस की बात आती है, मैं बार बार ये डायलॉग दोहरा दे रहा हूं वही डायलॉग कि जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत होती है, जो पहली बार इस विद्या को पढ़ रहे हैं. लेकिन हम लोग अभ्यस्त हो गए पढ़ते पढ़ते, तो हम लोगों को आइडिया थोड़ा लगता है कि कैसे हम एग्जिस्ट कराएं. बिगिनर्स को दिक्कत होती है, इस दिक्कत से इरिटेट नहीं होना है, इसको एंजॉय करना है. ये मैथमेटिक्स है. तो एक सेट का हमें निर्माण करना है. ये जो कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये बेस फॉर एक्स है, यानी एक कर्सिव जी का सब फैमिली है. इसके सारे मेंबर ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स होंगे, ओपन सबसेट ऑफ एक्स होंगे. चूंकि ये फैमिली काउंटेबल है, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबसे एक एक पॉइंट ले लेंगे. तो जो सेट बनेगा वो काउंटेबल होगा कि नहीं? जैसे कर्सिव बी में मान लो 50 मेंबर्स हैं, हर मेंबर से एक एक पॉइंट लेना है, तो कितने पॉइंट हाथ लगे हमारे? 50. तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स के लिहाज से ये काउंटेबल है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिहाज से जो सेट हम बनाने जा रहे हैं वो भी काउंटेबल होगा. लेट अस कंस्ट्रक्ट या लेट अस डिजाइन, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सेट कैपिटल ए बाय टेकिंग वन पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ कर्सिव बी, देन कॉमा क्लियरली कैपिटल ए इज काउंटेबल, काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स. एक्स का एक काउंटेबल सबसेट हम बना ले गए. अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि ये डेंस भी है, माने ए क्लोजर इक्वल टू एक्स ऐसा भी है. अब ये डिजाइनिंग याद रखनी पड़ेगी ना, कि जो सबसेट ऑफ एक्स हम बनाते हैं काउंटेबल, वो कैसे बनाते हैं. इस काउंटेबल फैमिली के हर मेंबर से एक एक पॉइंट लेके बनाए, एक एक पॉइंट ले लिए भाई, आगे एक एक पॉइंट सब लोग दे दो. टू प्रूव दैट या वी क्लेम दैट करके भी लिख सकते थे, क्लेम ही कर दे रहे. हाँ, ये लिखने की स्टाइल है, ये क्लेम कर दिया, दावा कर दिया. वी क्लेम दैट ये जो हमने सेट ए बनाया है इसका क्लोजर एक्स के बराबर होगा, ये हमने क्लेम कर दिया ना. अब इस क्लेम के समर्थन में, सपोर्ट में हमें लॉजिकल एविडेंस देना पड़ेगा, तार्किक प्रमाण देना पड़ेगा. देखें, ऑब्वियसली ए क्लोजर सबसेट ऑफ एक्स,
क्योंकि एक्स यूनिवर्सल सेट है भाई। अब क्या रह गया, ये इसका सबसेट है, इसके सारे पॉइंट इसमें है, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट इसमें है। लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स, लेट ओपन स्फेयर एस एक्स आर बी एनी ओपन स्फेयर सेंटर्ड एट एक्स, बी एनी ओपन स्फेयर। अब एनी माने हमने आर्बिट्रेरी किया किसी को, किसको आर्बिट्रेरी किया, एक्स तो दिया हुआ है, आर को आर्बिट्रेरी किया, माने आर ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी है। देन ओपन स्फेयर एस एक्स आर इज एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल, सॉरी, एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन स्फेयर एस एक्स आर। ऐसा ना लिख के फिर हम ऐसे लिख दे रहे, इंप्लाइज दैट ओपन सबसेट ऑफ एक्स होने के नाते ओपन स्फेयर एस एक्स आर बिलोंग्स टू कर्सिव जी एंड एक्स बिलोंग्स टू ओपन स्फेयर एस एक्स आर। ये वाला इसके बारे में लिख दिया जाए, शुरू में तो लिखा नहीं हमने, वेयर कर्सिव जी इज द फैमिली ऑफ इज द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। सिंस शुरू में आपने कहा था कर्सिव बी इज अ बेस फॉर कैपिटल एक्स, देयरफोर फॉर एनी ओपन स्फेयर एस एक्स आर एंड एक्स बिलोंगिंग टू ओपन स्फेयर एस एक्स आर, डेफिनेशन याद है ना, फॉर एनी जी बिलोंगिंग टू कर्सिव जी एंड एक्स बिलोंगिंग टू दिस जी ओपन स्फेयर एस एक्स आर, देयर एग्जिस्ट्स बी इन कर्सिव बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट्स कैपिटल बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ जी। बी कर्सिव बी में है और एक्स बी में है, इसलिए बी एक्स ए में होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। देखो ए का निर्माण कर सिस्टम में क्या किया था आपने, कर्सिव बी के हर मेंबर से एक एक पॉइंट लिया था आपने, तो कर्सिव बी का एक मेंबर कैपिटल बी भी है ना, तो इससे भी एक मेंबर एक पॉइंट लिया होगा, एक पॉइंट आपने लिया होगा हर मेंबर से एक एक पॉइंट, तो हम बी से कौन सा पॉइंट ले लें, एक्स ले लें बाय चॉइस, इट्स इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। अब आप कहेंगे सर हम बी से एक पॉइंट लिए थे तो हम एक्स नहीं लेंगे, एक्स के अलावा हम कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है ले लो, तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। प्रश्न उठता है देखो एग्जिस्टेंस में क्या है कि हमको ऐसा करके दिखाना है, हमको ये देखना क्या ऐसा हो सकता है
तो जब बी से एक पॉइंट लेना है तो आप एक्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगर ये कोई रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं ले सकते हैं तो ये प्रूफ नहीं होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक्स ले सकते हैं, तो हम एक्स ले रहे हैं। बात समझिएगा, दो स्थिति बन रही है। बी से जब एक पॉइंट लेना था तो हम एक्स लें कि एक्स ना लें? अगर हम एक्स नहीं लेंगे तो बात बंद, और अगर हम एक्स लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। पॉसिबिलिटी है ना एक्स लेने की, क्या हम एक्स ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। तो हमको ये सकना दिखाना है ना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई एक डेंस सबसेट, काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो सकता है, हो सकता है। अगर कोई प्रतिबंध लगाओ कि नहीं खबरदार बी से आप एक्स नहीं लेंगे, ऐसा तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यही हम कहने जा रहे हैं कि हम कैपिटल बी से जो पॉइंट लेंगे ए में, वो एक्स होगा। अगेन बी बिलोंग्स टू कर्सिव बी, एक्स बिलोंग्स टू बी, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। कारण लिखिए, विच इज ट्रू which is true by the choice of x belonging to b in a, b के एलिमेंट x को हम a में लें। अब हम कहेंगे एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a। एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x के पास x है ना, और ये x a में भी है, तो अब हम देखो ऐसा कह सकते हैं दस, और अपना काम बन गया। एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स हैज एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स ऑफ ए, एंड सो x is an adherent point of A, that is x belongs to adherence of A, को ही closure भी कहते हैं, that is x belongs to A closure। तो ये जो x है ये any point of capital X लिए थे आप, therefore कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर नंबर टू फ्रॉम वन इंटू ए क्लोजर इक्वल टू एक्स इंप्लाइज दैट ए इज डेंस। ए इज काउंटेबल आप पहले ही कह दिए थे, ए इज डेंस अभी हो गया, बस फाइनल कंक्लूजन लिख दीजिए। ये लिखना भी एक कला होती है बेटा, ऐसे लिख दो कि बात बहुत क्लियर हो जाए, बात को कहने की लिखने की एक स्किल होता है, इस स्किल को भी मैं आपको सिखा रहा हूं। फाइनली वी कंक्लूड दैट X is separable because there exists a countable dense subset of countable dense subset A of X। हो गया,
इट कंप्लीट्स द प्रूफ. आपके बात समझ में आई होगी. दो बार वीडियो को देख लीजिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी. नोट्स बना लीजिए देख देख के, उसको दो बार लिखिए, दो बार पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा. हम लिखते ही इस तरीके से हैं कि कोई भी मेरे लिखे को पढ़े अगर ध्यान से, तो उसको बात क्लियर होती जाए. शर्त छोटी सी है कि पीछे के रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए. अब ये छोटी सी रिजल्ट है लेकिन काम बड़ा है. यही बच्चे चूक जाते हैं, पीछे के रिजल्ट्स आप याद नहीं रखते. कोई भी लॉजिकल ब्रांच पढ़े, चाहे वो टोपोलॉजी हो, चाहे मेट्रिक स्पेस हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, फंक्शनल एनालिसिस है, बहुत सी ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पे थ्योरम्स बहुत होते हैं. तो ऐसी ब्रांचेस में रिजल्ट्स सारे याद होने चाहिए. देखो थ्योरम के स्टेटमेंट लिखते हैं ना प्रूव दैट, तो प्रूव दैट हटा दो तो जो बचा वो रिजल्ट हो गया. ऐसे सारे रिजल्ट्स को आप एक जगह लिख लीजिए, एक अलग से कॉपी ही बना लीजिए. उस कॉपी में सारे डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो. एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी चीज़ होता है. डेफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो, सारे रिजल्ट्स हो, उसको रोज़ एक बार देख लिया करिए. तो रोज़ रोज़ देखने से वो याद रहेगा. जब वो याद रहेगा तभी कोई बात बढ़िया से समझ में आती है. यही मेन दिक्कत स्टूडेंट्स की यही है कि पीछे के रिजल्ट्स वो याद नहीं रखते. बहरहाल वीडियो को लाइक करिए और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल. और हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज काउंटेबल, इज सेकंड काउंटेबल. एवरी सेपरेबल स्पेस इज काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल ये जरूरी नहीं है, लेकिन एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल. तो उस थ्योरम में मेट्रिक स्पेस इन्वॉल्व होगा. इसमें तो कोई मेट्रिक था ही नहीं, तो ऐसे भी थ्योरम हमको पढ़ने पड़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं और ये पूछे भी जाते हैं. क्यों पूछे जाते हैं ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि एग्ज़ाम में पेपर बनाते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए. ऐसे क्वेश्चन तो मत ही दो भाई जिसमें मेट्रिक की गायब हो. हम मेट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं और मेट्रिक वर्ड ही गायब है. बहरहाल थैंक यू. अगले वीडियो में एक थ्योरम हम लोग और पढ़ेंगे.